हाय गाइस वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुंसर्स आप सभी का वेलकम है आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बहुत से ऐसे टोकन्स के बारे में जिन्होंने काफ़ी कुछ मूवमेंट किया है लास्ट कुछ दिनों में वैसे तो मैनी फोल्ड की मैं पहले खबर देना चाहूँगा जो फोल्ड टोकन था जो मैंने आपको बताया था दिल दिल दिलाया था ऑलमोस्ट आई गेस 12 14 सत्रह कहीं भी दिलाया था आप लोग प्रॉफिट में ही हो गए ऑब्वियसली ट्वेंटी अभी चल रहा है एज ऑफ दिस वीडियो आप देख सकते हो इस कॉइन में कुछ अपडेट आना था जो सुशी को लेकर आना था तो वो सुशी वालों की तरफ से डिले कर दिया गया है जिसकी वजह से आज जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था जितने भी लोग कम्युनिटी के थे उन्होंने यहाँ पर डंप करना स्टार्ट कर दिया फोल्ड को और आज का जो डंप था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें लेकर आता है ट्वेंटी से डायरेक्ट यहाँ तक का अब थर्टी नाइन फोटी परसेंट का अब देखिए इस डंप में मैं मेरा क्या था मेरे पास थाउजेंड डॉलर फ्री पड़े थे तो मैंने इस एरिया को एज़ अ सपोर्ट ड्रॉ करके मैंने इस जगह एक बेडिंग की और थाउजेंड डॉलर का फोल्ड बाय किया था विच इज़ इन ट्वेंटी टेन टू ट्वेंटी परसेंट प्रोफिट अभी यहाँ से पुश ऊपर की ओर मिल गया है देखिए कोई भी कॉइन जब डंप होता है अगर उसका रीज़न आप पता कर लो जल्दी से और डंप होते समय एक सपोर्ट फाइन कर लो तो उस जगह आप बाय कर सकते हो और अच्छा खासा जो है करेक्शन आता है और उस समय आपको अप पर कैंडल ग्रीन कैंडल में अच्छी जो है एग्जिट मिलता है या फिर प्रॉफिट मिल जाता है तो ये चीज़ मैंने की अभी मेरा प्रॉफिट में ऑल दो मेरा मुझे लगता है फोल्ड को होल्ड करना ही सही रहेगा मेरे लिए तो मैं इसको होल्ड ही करूँगा मुझे लगता है इन द लॉन्ग टर्म यह अस्सी सौ हज़ार भी जा सकता है बहुत लंबा टोकन है ये बहुत लंबा होल्ड करना पड़ सकता है वैसे तो अभी जो अपडेट आई उसके बाद एक सेकेंड टोकन जो मेरी नजर में है रेडार में है उसका नाम है आर रेडिएंट एन ये आज ही लिस्ट हुआ है कोकोइन पर मेरी नज़र इस पर बहुत पहले से थी जब ये लिस्ट भी नहीं हुआ था और यहाँ पर लिस्टिंग प्राइस जो इसका 28 से स्टार्ट हुआ जबकि हमने जो इनिशियल डेज़ में इसको लिया था वो एक तरह से जिसको हम रिस्क जोन में नहीं कहते हैं कुछ कॉइन्स को जिनको पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ अगर उनमें अच्छा प्रॉफिट बनता है तब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि अगर रिस्क वाला कॉइन मैं आपको बताऊँगा और उसमें मेरा मनी तो मैं डुबा सकता हूँ आपका डूबा तो इसलिए तो पहले तो ये टोकन वो है जिसकी लिस्टिंग आज कुकॉइन पे हो गई तो कुकॉइन पे लिस्टिंग ही ऊपर हुई है हमारी जो बाइंग थी वो 25 24 थी अभी ये अराउंड 33 चल रहा है और 16 20 चालीस परसेंट और 40 तक चला गया था ऑलमोस्ट डबल हो गया था वैसे तो तो इसके करेक्शन पे इसको बाय कर सकते हो इसका सपोर्ट तो अभी कुछ नहीं है फिलहाल लेकिन हाँ ये एरिया देख सकते हो जहाँ पे तीस सेंट्स के अराउंड तीस से नीचे भी अगर मिलता है तो भी पिक कर सकते हो रेडियंट आर नाम से टोकन आज लिस्ट हुआ है बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है मुझे ई के हिसाब से डेली की काफ़ी बुलिश लग रहा है बस मुझे चाहिए कि वॉल्यूम सफिशेंट आ जाए तो ऊपर की ओर आर भी हाईर हाई मार्क करे और यहाँ पर हमें ऊपर का पुश मिले अब हो सकता है कि दोबारा से यहाँ आकर हम बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिले बिटकॉइन में हो सकता है ये एक प्रॉबीबिलिटी बता रहा हूँ मैं आपको इस प्रॉब्लिटी का रीज़न सिंपल ये है कई बार यहाँ पर लिक्विडिटी उठाने आया आया नहीं है लेकिन क्या हो सकता है कि इस जगह पर जो लोग हैं वो बाय करने बैठे हों तो अभी सही से बायर्स को बुला नहीं पाया ये तो हो सकता है यहाँ पर आगे बायर्स को बुलाए तो हमारे लिए जो बुलिश केस होगा वो ये होगा जो मैंने ड्रॉ किया ऑलरेडी इसके ऊपर जाके दोबारा रीटेस्ट करके नीचे आए तब आप बाय कर सकते हो बाय करने की सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी ये होगी या फिर यहाँ कहीं पर होगी इन दोनों जगहों पर होती है बाय करने की जगह तो बिटकॉइन का यही सिनेरियो सिंपल शॉर्ट एंड क्रिस्प आई होप आपको अच्छा लगे और आज इसके बाद जो है बिटकॉइन की रैली हो सकती है मेरे ख्याल से ट्वेंटी के तक और उसके बाद थर्टी के तक इजीली जा सकता है जो है बिटकॉइन ठीक है तो ये आज की अपडेट थी आई होप आपको अच्छी लगी एफ को देख लेते हैं मैंने एफ आपको नहीं बताया था आज देख लेते हैं जो एफ है बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है इसको डेली की जगह हटा दो चार घंटे में मैंने आपको कितने दिनों से बताया हुआ था मैं आपको बार बार ट्विटर पे बोल रहा हूँ बार बार कई लोग हंसने आते हैं कई लोग बोलने आते हैं पर मैं मैं गौर नहीं करता मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एफ ने क्या वर्क किया ये एक ट्रेंड लाइन थी जो नीचे थी जैसे ही ब्रेक होगी मैंने आपसे बोला था 12.6 तक की रैली आ सकती है अब अभी ब्रेक हो गई है मार्केट इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है एफएक्सएस अब हो सकता है रिटेस्ट मारने नीचे आ जाए 11.2 तक जो कि आया भी था अभी अगर चार घंटे को हटा के इसको दो घंटे कर दो ना तो आपको दिखेगा रिटेस्ट भी मारा है ने बाकायदा और आप देखोगे कि आपको एंट्री भी मिली ये पार्ट पार्टे ये पार्ट यानी टेन पॉइंट पे तो दोनों ही चीज़ें वर्क करी कल की अपडेट जिन्होंने देखी उनको बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ होगा फेक्स में मुझे लगता है इसकी रैली अगर बनती है तो ट्वेल्व तक मिनिमम बने

मैटिक जो है अच्छा खासा करेक्ट कर गया अब इसको सोचो मत इसके लेवल्स मत सोचो इसको बाय कर सकते हो आराम से क्योंकि करेक्शन भी हो गया तेईस परसेंट पीक बना के और काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ अब अगर मैटिक यहाँ पर लेते हो तो अच्छी बात है बढ़ लगी बिटकॉइन ना खराब कर दे पार्टी आपकी सो दट इज फॉर टू वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई एल सू एज इन दस वीडियो बाय